रिव्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में 31 पार्टियों पर पाबंदी, कारोबार में निवेश के बहाने 2 करोड़ की ठगी, कर्नाटक में 10 दिनों का नाइट कर्फ्यू। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश देशमुख ने जिले में नई नियमावली जारी की है, जिसके अनुसार रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जमावबंदी लागू रहेगी। होटल रेस्टोरेंट में 50% उपस्थिति की ही इजाजत होगी। इससे नए साल के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे होटल व्यवसायियों को जोरदार झटका लगा है। जमावबंदी के कारण देर रात चलने वाली 31 पार्टियों पर भी पाबंदी लग चुकी है। अगली खबर, फैब्रिकेशन के धंधे में 2 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कहकर कारोबार को पार्टनरशिप में मिला दिया गया और पार्टनरशिप में बने सामान को धोखे से दूसरी कंपनी को बेच दिया गया। मामला चिंचवड़ MIDC का है। इस मामले में एक दंपति, एक बैंकर और एक सिंडिकेट बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह घटना चिंचवड़ MIDC में हुई है। इस मामले में गजानन शेंडे, अरुणा गजानन शेंडे, दोनों राजे शिवाजी नगर निवासी, कंपनी के महाराष्ट्र गोवा विभाग के तत्कालीन अधिकारी कैनरा बैंक चिंचवड़ शाखे के प्रबंधक और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अगली खबर, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर पूरे देश में सख्ती बरती जा रही है। अभी राज्य में इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी कर लिए गए हैं, साथ ही उनका कड़ाई से पालन करने की भी अपील की जा रही है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने रविवार को नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक 28 दिसंबर से रात 10 से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। यह आदेश अगले 10 दिन के लिए जारी किया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार ने नए साल की पार्टी और भीड़भाड़ को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।